भगवादारी महिलाओं का ऐलान, दुष्कर्मियों का सिर करेंगी कलम। आज विजयदशमी के मौके पर मुरादाबाद से महिलाओं की अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम से जुड़ी महिलाएं नंगी तलवारें लेकर सामने आईं और बलात्कारियों के सिर कलम करने का आह्वान सार्वजनिक रूप से किया है। भगवा रंग के कपड़े पहने इन महिलाओं ने समाज में कड़ा संदेश देने की कोशिश की है या फिर दशहरे के नाम पर नंगी तलवारें लहराते हुए एक खौफ पैदा किया है, ये तो मुरादाबाद पुलिस को देखना है। नाम मीनू चौधरी है और मैं ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, मैं उसके लिए काम कर रही हूँ। मैं बेटियों को बचाने के लिए काम कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ बेटियाँ अपने अंदर की जो ताकत है उसको पहचानें, किसी से न डरें न झिझकें। उनके अंदर वो ताकत है कि वो हर किसी का सामना बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो बेटियां किसी से ना तो कम हुई हैं और ना ही होंगी, इसलिए बेटियों को अपने अंदर की शक्ति पहचाननी होगी। वो झांसी की रानी की तरह थीं और हैं और रहेंगी। क्योंकि मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका अंजू त्रिपाठी बोल रही हूँ। तो हम नारियों को इस रूप में आना, आज जैसे कि आप सबको पता है कि विजयदशमी है और बुराई पर अच्छाई की जीत है, तो इसी चीज को हम लोगों ने पूरे आगे रखते हुए और नारी शक्ति को भी हम लोगों ने उसी तरीके से आगे बढ़ाना है। बहुत सारी जो बुराइयां हमारे समाज में चल रही हैं, बहुत सारी कुरोतियां जो हमारे समाज में चल रही हैं, इसको अब हमने जड़ से उखेड़ना है। आज हम लोगों ने ये प्रण किया है कि किसी भी तरीके से जो ये सोच है समाज के अंदर की जो बेटियाँ वो घर के लिए दहलीज से पार नहीं हो सकती हैं, या फिर जो ये रेप केसेस हैं, जो फिर ये चौधरे जो घूमते रहते हैं और बेटियां कहीं ना कहीं सहम जाती हैं, उसके ऊपर उसके खिलाफियत में अब हमें आवाज़ उठानी है। जैसे कि हमारे माननीय मोदी जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने आज मिशन नारी मिशन शक्ति का जो ये मतलब शुरुआत करी है, वो बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है और इसमें हम लोग सब लोग जागृत हैं, हम लोग सब सहयोगी हैं और हम लोग इस चीज़ का प्रण करते हैं कि किसी भी तरीके से चाहे वो हमारी बेटियों की एजुकेशन हो, हमारी बेटियों की पढ़ाई हो, लिखाई हो, उनकी संपन्नता हो, उनको आगे बढ़ाने का हो, उनकी आत्मशक्ति हो, उसको हम हर तरीके से आगे बढ़ाएंगे और कोने कोने पर जहां पर भी ये कुरीतियां चल रही हैं उसको जड़ से ख़त्म करेंगे। जैसे कि इस तलवार में धार होती है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक धार है जिसको पहचानना है। जो आजकल बलात्कार होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उनको कोई नहीं रोक पाएगा, हमें खुद से रोकना है और ये तलवार उठाकर हमने उनका सर कलम करने का प्रण लिया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि नारी शक्ति अपने आप में हमें पहचाननी है, बेटियों को हमें खुद से पहचानना है। जब हम खुद अपने आप आत्मसम्मान से कोई फैसला लेने का हम मन बना लेते हैं तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता और हमारे सामने जो भी आएगा उसको चकनाचूर कर दिया जाएगा।